उत्तराखंड बोर्ड 2024 के परिणाम घोषित हो चुके हैं और सभी छात्र छात्राओं में काफ़ी उत्साह भी देखने को मिल रहा है। हम अल्मोड़ा की बात करें तो अल्मोड़ा के रहने वाले पीयूष खोलिया ने पूरे प्रदेश का नाम रोशन किया है और उन्होंने पहली रैंक हासिल की है। तो वहीं नैनीताल की रहने वाली कंचन जोशी ने भी नाम रोशन करते हुए संयुक्त रूप से प्रदेश का भी नाम रोशन किया। हमारे साथ मौजूद हैं पीयूष खोलिया, आपका स्वागत है लोकल 18 में। किस तरह से देखते हैं, कैसे मेहनत करी आपने और जिस मुकाम में आप पहुँचे हैं उसके बारे में? सर, वो मेहनत तो करी थी तभी रिजल्ट भी आया। उसके अलावा मुकाम में तो बहुत छोटा मुकाम है सर मेरे लिए, तो मतलब ये इसमें ज़्यादा कुछ वो भी नहीं था। बाकी सिलेबस की जो किताब थी वो पढ़ ली, नोट्स बनाए पढ़ लिए और मार्क्स भी उस हिसाब से आ गए, मेहनत करी मार्क्स आ गए। अच्छा, PCM आपका था सब्जेक्ट, तो कैसे देखते हैं जो सब्जेक्ट हैं काफ़ी कठिन सब्जेक्ट हैं, तो आपने इसके लिए कैसे तैयारी करी थी? सर मेरा PCM भी था वैसे, बायोलॉजी भी था विषय में एक। उसके अलावा सर कठिन नहीं था मेरे लिए, मतलब मेरे को जिसमें इंटरेस्ट आता था वो मैं पढ़ता था। जैसे कोई आदमी, कोई बच्चा होगा जिसे हिस्ट्री या ऐसे सब्जेक्ट पसंद है तो उसके उसमें ऑटोमेटिकली मार्क्स आएंगे, तो जिन सब्जेक्ट्स में मेरा इंटरेस्ट था वही मैंने चूज़ किए थे। ऐसा नहीं था किसी के दबाव पे मैथ्स ले रहे हैं या साइंस ले रहे हैं, तो जो भी सब्जेक्ट थे वो मेरे अकॉर्डिंग ही थे और मेरे इंटरेस्ट के हिसाब से ही थे, इसीलिए इसमें मार्क्स आए। अच्छा, पीयूष कितने घंटे पढ़ाई करते थे? ऐसा कुछ हार्ड एंड फास्ट तो नहीं होता था सर, मतलब औसतन 7-8 मान सकते हैं। अच्छा, तो इसके साथ आपकी और क्या क्या हॉबी रही हैं? हॉबीज़ में एक, मैं पहले बैडमिंटन भी खेला करता था सर, और बैडमिंटन से भी बहुत डिसिप्लिन बिल्ड हुआ है मेरे अंदर। मतलब एक सर भी थे बैडमिंटन में हमारे, प्रशांत जोशी करके, उन्होंने भी बहुत डिसिप्लिन बिल्ड किया था मेरे अंदर, उनका भी बहुत योगदान है। और इसके अलावा हाँ जी, उनका थोड़ा ऐसा हो गया तो फिर बाकी उनका योगदान है बहुत। तो पढ़ाई के साथ कैसे बैडमिंटन खेल कैसे मैनेज कर पाते थे? वैसे तो सर प्रोफेशनली तो मैंने 10th में बंद कर दिया था वैसे बैडमिंटन खेलना, थोड़ा बहुत कभी कभार ऐसे हॉबी के तौर पे वैसे बैडमिंटन खेल लिया तो वैसे होता था। जो आज प्रदेश में आपने नाम रोशन किया उसका श्रेय किसको देना चाहते हैं आप? श्रेय तो सभी को, कलेक्टिव तौर से सभी को जाना चाहिए, टीचर्स को भी, पेरेंट्स को भी, माता जी को, और मैंने भी की है मेहनत, मुझे भी जाना चाहिए। तो टीचरों का कितना योगदान रहा है? टीचरों का भी बहुत योगदान रहा है, सपोर्टिव टीचर्स से बहुत, और हमारी क्लास टीचर जो थी दीपशिका मैम वो भी बहुत सपोर्ट करती थी, केमिस्ट्री वाले सर भी, भूपेश मन सर वो भी करते थे, और इंग्लिश वाले गुरुदेव सर भी करते थे, मैथ अर्जुन भी सर भी बहुत सपोर्ट करते थे मैथ्स वाले, और फरतियाल सर ने भी बहुत सपोर्ट किया। भले एक नंबर बायोलॉजी में रह गया बस मेरा, उसका अभी भी मतलब खेत तो क्या है 99 आगे बहुत है। उसके अलावा हिंदी वाले सर भी थे सर, वैसे वो हिंदी मेरा विषय तो नहीं था लेकिन उन्होंने भी काफ़ी सपोर्ट किया भास्कर कांडपाल सर। दोस्तों के साथ कैसे कॉम्बिनेशन रहता था पढ़ाई के प्रति? एक्चुअल में सर वैसे तो ऐसा था, मतलब उतने क्लोज फ्रेंड तो नहीं थे मेरे, क्योंकि मैं हमेशा मतलब अब मेरा इंटरेस्ट था पढ़ाई में तो उसी की बातें मैं करने लग जाता था, तो कुछ लोग तो थे जो मतलब इंटरेस्ट लेते थे उसमें, बाकी इन्जॉयमेंट भी होता था बहुत, ऐसा नहीं हर समय पढ़ाई कर रहे हैं। पीयूष का आगे का सपना क्या है? सपना तो अभी डिसाइड वैसे नहीं हुआ है, मतलब मोटा मोटा रिसर्च फील्ड में थोड़ा। अच्छा, जो आने वाले जो बच्चे हैं भविष्य जो देखते हैं कि आगे जाके 12th में इतने मार्क्स लेके आए, उनके लिए क्या सुझाव देना चाहते हैं आप? उनके लिए कुछ नहीं सर, मतलब रट के मार्क्स नहीं लाना है, इंटरेस्ट लेना है पढ़ाई में और उसके बाद मार्क्स लाने। अच्छा, जो आप पढ़ाई करते थे वो कितना घंटे करते थे और कैसे स्टडी करते थे आप? लगभग मतलब कभी भी घंटे के तौर पर मैं पढ़ाई को मेजर करूँ ऐसा तो कभी नहीं था, औसतन मान सकते हैं 7-8 घंटे, और इक्वली डिस्ट्रीब्यूशन था जिसमें मतलब जिसमें ज़्यादा मेमोराइज़ करना होता है जिन सब्जेक्ट्स में, अब याद तो करना ही पड़ता है समझ करके, तो उनको थोड़ा सा ज़्यादा, जैसे बायोलॉजी हो गया, केमिस्ट्री हो गया, बाकी मैथ्स भी बहुत ज़रूरी थी, मैथ्स में तो प्रैक्टिस ही करी है और रेलेवेंट मोस्ट पढ़ा है मैंने जो 12th बोर्ड्स के अकॉर्डिंग है ना, तो पढ़ने को तो बहुत कुछ है लेकिन ज़्यादा रेलेवेंट ही पढ़ा मैं 12th के बाद। अच्छा, तो पढ़ाई आप क्या ट्यूशन लिया करते थे, कैसे? ट्यूशन वगैरह तो नहीं, ऑनलाइन वगैरह भी बहुत सपोर्ट हो जाता ऑनलाइन पढ़ने से। वैसे एक मैथ्स मैंने एक ऑनलाइन भी बहुत मतलब हेल्प मिलती है सारे सब्जेक्ट्स पढ़ने में, तो तब उसमें भी हो गया। बहुत बहुत धन्यवाद आपके उज्ज्वल के भविष्य के, बहुत बहुत बधाई आपको। ये थे हमारे साथ मौजूद अल्मोड़ा के रहने वाले पीयूष खोलिया, जिन्होंने प्रदेश का नाम रोशन करते हुए पहली रैंक हासिल की है। उनका भविष्य का सपना है कि वह आगे जाकर रिसर्च की तैयारी करेंगे। उत्तराखंड के अल्मोड़ा से मैं रोहित भट्ट लोकल 18 के लिए।